हेलो डियर स्टूडेंट्स, रेडियस क्लासेस 247 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं थ्योरम सीरीज, ठीक है। मैथमेटिक्स का जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होता है तो उसका एक सीरीज हम लोग ला रहे हैं, जो कि आज से शुरुआत है। और यहाँ पे बच्चे हम लोग देखेंगे क्लास 9, क्लास 10, क्लास 8, 7, ये सभी क्लासेस का जो जो बेसिक थ्योरम्स होते हैं और इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होते हैं, उनको लाइन बाय लाइन आपको बताने की कोशिश किया जाएगा। तो चलिए, आज का थ्योरम क्या है? आज का थ्योरम जो बच्चे है वो क्लास 9 से लिया गया है, ठीक है। तो क्लास 9 में जो चैप्टर आपको पढ़ना है लाइंस एंड एंगल्स, उससे एक फर्स्ट थ्योरम्स आया है। चलिए उसका स्टेटमेंट देखते हैं बच्चे और समझते हैं कि कैसे इसको प्रूव किया जाता है। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते बच्चे। देखिए यहाँ पे थ्योरम का नाम है कि इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। यानी कि क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई रे एक लाइन पर स्टैंड करता है तो उसमें दो एंगल बनेंगे जो कि एडजेसेंट एंगल बनेगा, उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको किया जा सकता है। सबसे पहले पता है कि थ्योरम जब भी हम लोग प्रूव करते हैं तो उसमें कुछ कुछ बातें लिखते हैं। जैसे फर्स्ट में लिखेंगे गिवेन, क्या लिखेंगे गिवेन। देखिए गिवेन में क्या लिखना बच्चे, तो गिवेन में यह लिखना है कि लेट सी डी इज अ रे लाइंग ऑन लाइन ए बी फॉर्मिंग क्या कर रहा है, बना रहा है, फॉर्मिंग टू एंगल्स। जैसे देखिए यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे एक रे बनाएंगे, सॉरी लाइन बनाएंगे, जिसका नाम होगा ए और बी। अब यहां पे एक स्टैंड कर रहा है एंगल, जिसका नाम है, यहां पे रे है जिसका नाम है सी और डी। सी डी क्या है, स्टैंड कर रहा है। अब देखो यहां पे जो एंगल बना ये और एंगल ये दोनों का सम कहता है कि 180 आपको प्रूव करना है। तो यहां पे क्या कर दिए, सबसे पहले यहां पे दो एंगल्स बना दिए। अब कौन सा एंगल से बचे, तो एंगल्स का नाम है एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी एंड एंगल बी सी डी, ठीक है, ये गिवन में हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन के बाद होता है आपका, देख सकते हो, तो यहां पे लिखते हैं टू प्रूव, यानी कि क्या प्रूव करना है, ठीक है, टू प्रूव। तो टू प्रूव में हम लोग लिखने वाले हैं कि आपको एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी 180 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। इसमें एक कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो यहां पे आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन क्या लिखने वाले हैं। तो कंस्ट्रक्शन में आपको बहुत ही सिंपल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यानी कि ड्रॉ यहां पे आप देख सकते हो सी और एफ एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर लो, सी और एफ, ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर। तो सी एफ परपेंडिकुलर टू आपका हो जाएगा ए बी। पता है परपेंडिकुलर कहने का मतलब 90 डिग्री बनता है, तो अब यहां से बात आपका बन जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे बच्चे, इसमें सेकंड अगला स्टेप जो होता है कंस्ट्रक्शन के बाद क्या लिखते हैं, प्रूफ। क्या लिखेंगे, प्रूफ। अब प्रूफ में क्या करने वाले हैं, अब देखिए यहां पे ए सी और जो एफ जो बना वो 90 डिग्री हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं क्या, कि ए सी डी को क्या लिख सकते हैं, ए सी डी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए सी डी बराबर लिख सकते हैं। ए सी डी कैसे बना, तो इसमें है एंगल ए सी एफ, ठीक है, ए सी एफ प्लस, ए सी एफ प्लस यहां पे देखो एफ सी डी, एफ सी डी, ठीक है, ए सी डी को लिख सकते हैं, क्लियर है। अब उसके बाद यहां पे क्या लिखना है, बी सी डी को अगर लिखना चाहते हैं तो बी सी डी को क्या लिख सकते हैं, एंगल बी सी डी को लिख सकते हैं। कितना, तो एंगल बी सी डी का वैल्यू लिख सकते हैं बी सी एफ में से, एंगल बी सी एफ माइनस, बी सी एफ माइनस, बी सी एफ माइनस डी सी एफ, यानी कि या तो एफ सी डी लिख सकते हैं, ठीक है, एफ डी सी लिख सकते हैं। अब यहां पे करना क्या है, इन दोनों को सम कर दो, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको और इक्वेशन सेकंड इसको ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो इधर हो जाएगा ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी बराबर, इधर हो जाएगा एंगल ए सी एफ प्लस एंगल एफ सी डी प्लस एंगल बी सी एफ माइनस एंगल एफ सी डी।
अब देखिए क्या बच्चे करना क्या है, देखो यहां पे आपका ये वाला वैल्यू दोनों सेम चीज है और साइन डिफरेंट है तो कट जाएगा। अब यहां पे आपका क्या बचेगा, तो एंगल ए सी एफ प्लस एंगल बी सी एफ। अब देखो यहां पे ए सी एफ परपेंडिकुलर है, इस कारण से ये भी 90 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 90 मिलकर के होता है 180। तो हेंस हम लोग कह सकते हैं कि हेंस हमारे पास एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी जो होगा ये 180 क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रूव। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इसी तरह स्टेप वाइज आपको प्रूव करना है। तो आपको ये समझ में आ गया बच्चे कि जो अगर एक रेज है अगर स्टैंड करता है किसी भी एक क्या उसको बोल सकते हैं किसी भी एक लाइन पर, तो दो एडजेसेंट एंगल जो बनेंगे बच्चे वो उसका सम जो होगा 180 यानी कि 180 डिग्री होगा। यही थ्योरम था। आगे के क्लासेस में और भी हम लोग थ्योरम्स इससे रिलेटेड पढ़ेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को 2 लाख 7 सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं अगले अपडेट्स में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स लॉट, जय हिंद, वंदे मातरम।